दोस्तों, ट्रेन से यात्रा करने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है और टिकट लेने का आपके पास दो ऑप्शन होता है। पहला रेलवे स्टेशन के काउंटर से, दूसरा IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। अगर इन दोनों ऑप्शन में आपको कंफर्म टिकट मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको वेटिंग टिकट मिलता है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन वेटिंग टिकट अगर कन्फर्म नहीं हुआ तो चार्ट बनने तक वो कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने रेलवे स्टेशन से वेटिंग टिकट लिया है तो वो कंफर्म हो या ना हो आप यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि स्टेशन के वेटिंग या कंफर्म टिकट का रिकॉर्ड TTE के पास होता है, जबकि IRCTC के वेटिंग टिकट का रिकॉर्ड TTE के पास नहीं होता है। IRCTC का वेटिंग टिकट चार्ट बनने के बाद कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें दूसरा रीज़न भी है। रीज़न ये है कि रेलवे स्टेशन के टिकट की फ़ोटोकॉपी मान्य नहीं होती है, जबकि IRCTC से बुक किए गए टिकट की कॉपी मान्य होती है। अब मान लीजिए आपने IRCTC से वेटिंग टिकट लिया और वो ना कन्फर्म हुआ और IRCTC उसको कैंसिल ना करे, तो आप टिकट की दो या तीन कॉपी निकाल के, नाम एडिट करके, एज एडिट करके, जेंडर एडिट करके आराम से अलग अलग कोचेज में, अलग अलग डब्बे में यात्रा कर सकते हैं और रेलवे और TTE को इसका पता भी नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि रेलवे स्टेशन की टिकट की कॉपी नहीं बना सकते हैं आप, लेकिन IRCTC के बुक टिकट की कॉपी बना सकते हैं, नाम भी एडिट कर सकते हैं। तो अगर वेटिंग टिकट मान्य हो जाएगा तो ऐसे नाम एडिट करके बहुत लोग धोखाधड़ी करेंगे और बहुत लोग ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे, जिससे TTE उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप संतुष्ट हैं तो भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।